दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IQ Neo 7 Pro के बारे में, जिसमें आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ा यहाँ पे मिलने वाला है। इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है Snapdragon 8 Plus Gen 1 मिलने वाला है। इसमें आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है। हम आज इसका डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेरिएंट्स की। आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8/128 and 12/256 GB वेरिएंट के साथ ये फोन आता है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, जो इसका बेस वेरिएंट है 8/128 GB वाला, ये आपको 35,000 के करीब देखने को मिलेगा। और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ इसको परचेज करते हैं तो आपको 32,000 के करीब देखने को मिलेगा। और इसमें आपको दो ही कलर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर मैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको बैक साइड में वेगन लेदर की फैक फिनिश यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। आपको ओवरऑल में बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे मिलने वाला है, 6.78 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 10 बिट डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। और इसका डिस्प्ले HDR को भी सपोर्ट करता है। आप नेटफ्लिक्स में और यूट्यूब में देखेंगे तो आपको HDR का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और आप अगर आउटडोर में भी इसका यूज करते हो तो आपको 1300 नीट्स का ब्राइटनेस लेवल यहाँ मिलने वाला है। आउटडोर में भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली। और अगर मैं बेजल्स की बात करता हूँ तो आपको बेजल्स भी यहाँ पे काफी कम देखने को मिलते हैं। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको 93% के ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो यहाँ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनर भी यहाँ मिलने वाला है, जो कि काफी फास्ट है। और फेस अनलॉक जैसे फीचर के साथ ये फोन आने वाला है। और इसके साथ साथ एक फीचर और एड हुआ है इसमें, जो इसका कलर्स है इसके स्क्रीन के, उसको आप कैलिब्रेट कर पाएंगे मैन्युअली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। यहाँ पे आपको बैटरी भी 5000mAh का बैटरी प्लस 120W का फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आता है। और अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो आपको 0-50% के लिए अंडर 10 मिनट में ये आपको चार्ज कर देगा, जो कि काफी फास्ट है। यहाँ पे आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग इसके साथ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ देखने को मिलेगा। IQ ने अपने कैमरास भी यहाँ पे इम्प्रूव किए हैं काफी। आपको 50MP का रियर कैमरा यहाँ मिलने वाला है, जो कि एक सैमसंग का प्राइमरी कैमरा है। और OIS इसके साथ आने वाला है, प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड आपको यहाँ मिलने वाला है और 2MP का मैक्रो कैमरा इसके साथ मिलने वाला है। और अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ तो आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पे 16MP का मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं इसके कैमरा एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो IQ ने काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया है। अगर मैं इसके स्किन टोन की बात करता हूँ, कलर की बात करता हूँ, काफी अच्छे आपको कलर्स यहाँ मिलने वाले हैं। और इवन आप लो लाइट में भी फोटोज क्लिक करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मुझे डायनेमिक रेंज में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको कैमरा एक्सपीरियंस भी यहाँ अच्छा मिलने वाला है। मैं बात करता हूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप रियर कैमरा से 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे 60fps पे। और इसमें आपको OIS जैसा कि मिलने वाला है, तो आपको वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी यहाँ पे काफी स्टेबल आपको मिलने वाली है। तो हम बात करते हैं इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेगा, जिसकी साउंड क्वालिटी काफी लाउड एंड क्लियर आपको यहाँ मिलने वाली है। और अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं, कंटेंट वगैरह देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले पहले ही बताया कि HDR को सपोर्ट करता है, आप नेटफ्लिक्स यूट्यूब में देख पाएंगे। और साथ में आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिलने वाले हैं। ओवरऑल में आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा आपका होने वाला है। और इसके साथ साथ आपको 3.5mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा और FM रेडियो भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक भी यहाँ मिलने वाला है। और अगर मैं सिम कार्ड की बात करता हूँ तो आपको ड्यूल नैनो सिम कार्ड स्लॉट यहाँ मिलने वाला है, मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें आपको IP52 की रेटिंग भी इसमें मिलने वाली है। मैं अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, जैसा कि 5G फोन है तो आपको 8 5G बैंड का सपोर्ट भी यहाँ मिलने वाला है। जितने भी इंडिया में 5G बैंड है सभी को सपोर्ट करता है। और इसमें आपको Wi-Fi 6 मिलने वाला है और ब्लूटूथ 5.2 यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं इसके वेट की बात करता हूँ तो आपको अप्रोक्सीमेट 200 ग्राम के करीब यहाँ पे वेट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि आता है परफॉर्मेंस। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिलने वाला है, जो कि आपको 40,000 और इससे अबोव वाले फोन में यहाँ मिलता है। बट यहाँ पे IQ ने आपको 32,000 में स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 दिया है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफी तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देने वाला है।
काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर यहाँ पे मिलने वाला है। अगर मैं इसके अंतत्व स्कोर की बात करता हूँ तो आपको अप्रोक्सीमेट 1.3 मिलियन के करीब यहाँ पे अंतत्व स्कोर देखने को मिलेगा और ये प्रोसेसर 4 नैनोमीटर बेस्ड है। और अगर मैं रैम टाइप की बात करता हूँ तो आपको LPDDR5 रैम टाइप यहाँ मिलने वाली है और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी आपको यहाँ मिलने वाला है। और ये फोन फनटच OS 13 के साथ आने वाला है और आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और जो ब्रांड ने कमिटमेंट किया है यहाँ पे 2 ईयर का मेजर अपडेट एंड 3 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलने वाला है। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस की तो आपको डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ नॉर्मल टास्क तो इजीली ये हैंडल कर लेगा और आप हैवी टास्क भी इसमें कर पाएंगे। अगर आप वीडियो एडिटिंग भी इसमें करना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलने वाला है और आपको गेमिंग वगैरह में कोई लैग वगैरह हीटिंग इश्यू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें स्मार्ट 3D कूलिंग सिस्टम भी ऐड किया गया है और इसमें इंडिपेंडेंट गेमिंग चिपसेट भी ऐड किया गया है जिससे आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। अगर मैं इसके OS एक्सपीरियंस की बात करता हूँ जैसा कि Vivo और IQ में आपको सेम OS एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे भी आपको प्री इंस्टॉल्ड ऐप यहाँ पे मिलने वाली है, हॉट ऐप वगैरह बिल्कुल मिलने वाली है, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस फोन की कि आपको 32,000 में इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस काफी तगड़ी यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप प्रो गेमर हैं तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जाना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ इसकी डिस्प्ले की तो आपको डिस्प्ले भी AMOLED डिस्प्ले यहाँ मिलने वाली है, काफी अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस यहाँ मिलने वाला है जैसा कि HDR को भी ये सपोर्ट करता है इसका डिस्प्ले। और बैटरी भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है, आपको 120 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन आने वाला है। और अगर मैं कैमरा की बात करता हूँ तो कैमरे में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है, आप इसके कैमरे को भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे भी आपको स्टीरियो स्पीकर मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस फोन की तो आपको एक कंप्लीट पैकेज 32,000 में यहाँ मिलने वाला है और आपको परफॉर्मेंस तो बिल्कुल टॉप नॉच यहाँ पे मिलने वाली है, आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। ओके दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।